हमारे कष्टों के कारण हमारे कर्म हैं, ये भौतिक कर्म भी है, आदि भौतिक कर्म भी है, पूर्व जन्म के कर्म भी है, वर्तमान के भी कर्म हैं। तो ये जो कर्म हैं, इन कर्मों के बंधन से ही हम रोग दोष जो भी हमारे जीवन में संकट है वो आते हैं, और कभी कभी अनजान में भी दोष होता है, जानकर भी होता है। लेकिन जिस क्षण हम शिव के पास पहुंच जाते हैं, शिव की शरण में पहुंच जाते हैं, शिव के आभा मंडल में होते हैं, शिव के प्रभाव के क्षेत्र में होते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कर्म का विपाक या कर्म का फल हमें बुरा प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव सारे कर्मों का अच्छा फल ही देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर वह सकारात्मकता पैदा करते हैं, हमारे भीतर मनोबल देते हैं, और हमारे चित्त की शुद्धि करते हैं, और हमारे केवल चित्त की शुद्धि नहीं करते, हमारे मन को भी शुद्ध करते हैं, और जो भी रोग दोष हैं उसे दूर करते हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी मैं कह रहा हूँ, कैंसर, आपको बताऊँ कि ट्यूबरक्लोसिस और इन सब बीमारियों में, क्योंकि मैं शोभित यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, केवल रुद्राक्ष के फल का चूर्ण उनको दिया गया और उनको बहुत लाभ हुआ है। इसलिए यह पौधा या फल अपने आप में, और कारण क्या है इसका, कि यह पौधा खाली पौधा नहीं है, यह प्राण प्रतिष्ठित है और अभिमंत्रित है। हमें बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि जैसे जैसे इसका प्रचार हुआ पिछले 12-13 वर्षों से, रुद्राक्ष के पौधे का प्रचार प्रसार प्रभु करा रहा है, तो नर्सरियों में और अन्य जगह भी पौधे मिलने लगे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने लगाया, गुरुजी हमें कोई लाभ नहीं हुआ, हमारे यहाँ फल नहीं आए, 4-4 साल के पौधे हो गए फल नहीं आए। वस्तुतः यह पौधा प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित हुए बिना, संकल्पित हुए बिना, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं स्कंद पुराण के हिमाद्रिखंड में कहा है कि कैलाश के उस क्षेत्र को छोड़ करके यह पौधा कहीं उगेगा नहीं, अगर आत्मश्रद्धा पूर्वक इसे रोपा जाएगा, सींचा जाएगा, तो यह उगेगा। इसके लिए यह प्राण प्रतिष्ठित है, और हमारे जो रुद्रकृपा फाउंडेशन से जो पौधा आप तक पहुंचता है उसमें, और जो बाहर आप पौधा प्राप्त कर रहे हैं उसमें, वही फर्क है जो सड़क पर कड़े कंकड़ और मंदिर में स्थापित शंकर के बीच होता है। बहुत सुंदर। इसलिए बहुत ध्यान से आप लें, और इस पौधे के बाद आपको किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, साक्षात शिव ही पर्याप्त हैं सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकने में। बहुत साधारण सा है, हमारे जितने मंत्र हैं कुछ को छोड़ के, जितने शास्त्र हैं, स्त्रोत्र हैं, वह कीलित हैं और शापित हैं। जब तक उनको शाप से युक्त मुक्त नहीं किया जाता या उत्कीलित नहीं किया जाता, वो फल नहीं देते। यह बात आम लोग नहीं जानते, वह केवल पूजा करा लेते हैं। मैं पूजा के विरुद्ध नहीं हूँ, पूजा का फल तो मिलेगा, बशर्ते ठीक से किया जाए। रुद्राक्ष के पौधे के लिए किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यह पूर्णतया प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित और आपके नाम, आपके माता पिता के नाम और गोत्र के साथ यह संकल्पित होकर के जाता है, इसकी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं है। यह रख करके आप देखें कि आपके वातावरण में, आपके मानसिक स्थिति में, आपके कष्टों में, निश्चित रूप से, एक बार बताऊँ आपको, 22 लाख से अधिक पौधे लग गए। क्या आप रुद्राक्ष अधिक पवित्र शिव का कोई प्रतीक मान सकते हैं? रुद्राक्ष अधिक पवित्र कोई पौधा हो सकता है? रुद्राक्ष अधिक हितकारी कोई फल हो सकता है? नहीं है संसार में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आगे बढ़िए, इसका उपयोग करिए, और देखिए आपका जीवन कैसे सार्थक बनता है।